चैनल। तो आज हमारे पास जो फोर्ड फिगो रहने वाली है अपनी, इसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पे डाल रखा है, आप चाहे तो देख लेना, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो आज हम मतलब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस गिनाएंगे कि मतलब इसमें क्या डिसएडवांटेज मेजर लगे और क्या क्या एडवांटेजेस दे रखे हैं 2010 के मॉडल के हिसाब से। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मॉडल है ये अपना फोर्ड फिगो की है, ठीक है, 2010 मॉडल 1.2 लीटर वाला, ठीक है, टाइटेनियम है जिसको टॉप माना जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको रिव्यू दे रखा है वैसे तो पूरी गाड़ी का, इनकेस अगर आपने मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, चाहे यूट्यूब चैनल पे चेक कर लेना, वहाँ पे मतलब अवेलेबल है वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको गिना देता हूँ डिसएडवांटेजेस मतलब क्या क्या है। तो हमारे साथ ओनर हैं तो उनसे मैं मिला देता हूँ पहले। तो भाई हमारे ओनर हैं, तो भाई एक बार हेलो कर दो। हेलो भाई। हाँ तो भाई सबसे पहले आज हम इसमें डिसएडवांटेजेस गिना रहे हैं ना भाई। तो सबसे पहले एक बताओ लोगों को कि आने वाले टाइम में अगर लोग मतलब बहुत हैचबैक चल रही है, बहुत हैचबैक प्राइस सेगमेंट में ये थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, मतलब उस टाइम आपको कितने की पड़ गई थी? उस टाइम मेरे को 7.5 पड़ी थी ऑन रोड। 7.5 लाख की भाई को ऑन रोड पड़ी थी। और अब वाली कितने की आ रही है? अभी भी इतनी आसपास है, इतनी 7.5-8 लाख के, मतलब जैसे जो मिनिमम रेट होता है, जैसे मतलब अगर आपको बढ़िया हैचबैक लेनी है इस सेगमेंट में, ठीक है, मतलब जैसे अपना बिल्ड क्वालिटी हो गया, एडवांटेजेस वगैरह में हो गया, तो आप फोर्ड फिगो की तरफ से जा सकते हैं। और जो इसमें डिसएडवांटेजेस हैं तो वो वैसे फोर्ड ने बहुत रिजॉल्व कर दिया, मतलब बहुत कुछ चेंजेस कर दिया और उसको ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो वैसे मैं भाई से पूछ लूँगा कि भाई इसमें वैसे मुझे गिनाओ सबसे पहले आपको डिसएडवांटेजेस क्या लगता है? भाई सबसे पहले तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नीची बहुत है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस कम है बहुत। जैसे अब इसको आप एडवांटेज में भी ले सकते हो, डिसएडवांटेज में भी ले सकते हो। कैसे? जैसे डिसएडवांटेज तो ये कि जैसे कहीं उबड़ खाबड़ रोड में मैं चलाता हूँ, हाँ। तो जैसे फुल्ली लोडेड है, 4-5 बंदे बैठा रखे हैं, हाँ। पीछे मतलब बूट में, हाँ, तो नीचे से लगने का डर रहता है, नीचे लगती है ये, हाँ। और एडवांटेज आपको अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। हाँ तो बाकी भाई मैं दो वीडियो बनाऊंगा इस पे, एक अपना डिसएडवांटेजेस वाली रहने वाली है और एक एडवांटेजेस वाली। एडवांटेजेस तो बहुत हैं इस गाड़िया में, ठीक है, 2010 के हिसाब से, पर डिसएडवांटेजेस मतलब कुछ कुछ हैं जो कि मेजर हैं, ठीक है, अगर उन्हें फोर्ड ने रिजोल्व कर दिया है, चेक करेगी तो मतलब बढ़िया रहेगा, वैसे तो उसने ज्यादातर कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अपने ग्राउंड क्लियरेंस की जमीन से कितनी नीचे, अगर हम मतलब फुल्ली लोडेड कर देते हैं गाड़ी को, जैसे 4-5 बंदे बिठा दें, तो पिकअप की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर टायर टच हो जाता है, चाहे नीचे से गाड़ी टच हो जाती है। सबसे पहले भाई ने थोड़े टायर वगैरह चेंजेस करा रखे हैं, थोड़ा प्रोफाइल बड़ी करवा रखी है, इसलिए थोड़ा टायर आपको लगेगा कि मतलब बिल्कुल ही चिपक रखा है, पर ऐसा नहीं है, मतलब है कम पर ठीक है। भाई को वैसे इसमें इसका एडवांटेजेस वैसे मैं बता दूंगा कि जैसे जो अपना ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो उसका क्या, इसका अपना आपको दूसरा डिसएडवांटेज गिना देता हूँ कि अपना इसका क्या रहने वाला है दूसरा डिसएडवांटेज। वैसे ये फोर्ड फिगो है 2010 मॉडल टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम जिसको कि टॉप मॉडल माना जाता है ना भाई। हाँ जी भाई। तो इसमें दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सबसे पहले बताओ? मेरे को इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये लगा कि ये टॉप मॉडल होने के बाद हमें भाई पावर विंडो नहीं, थोड़ा माइंड मत करना, शोर आ रहा है, थोड़ा रनिंग रोड है, थोड़ा खाली रहता है, इसलिए मैंने यहाँ शूट करने की वो करी। तो भाई एक बार बता दो और थोड़ा तेज बोलना। भाई मेरे को इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये लगा कि टॉप मॉडल होने के बाद भी हमें पावर विंडो नहीं देते। तो भाई इसमें हमारा वैसे तो 2010 मॉडल है, उसके हिसाब से आगे पावर विंडो दे रखी है, पीछे नहीं दे रखी, और ये टाइटेनियम में मॉडल है। मान लो बंदा 7.5 लाख रुपए खर्चा करता है तो उसको मतलब ये मिलना चाहिए कि अपना पीछे वाली पावर विंडो, अब वाली फोर्ड फिगो में आ रहा है पर पहले नहीं दे रखा था उन्होंने, ठीक है। तो बाकी ये मुझे उतना मतलब मेजर इशू तो नहीं है, पर इसका मैंने जो आपको पहला बताया ग्राउंड क्लियरेंस वो अपना मेजर इशू है, और दूसरा वाला जो भाई ने बताया ठीक है, इसको हो सकता है हम आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, पर लगवाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा वारंटी अवॉइड का भी है, वैसे भी अराउंड वारंटी ख़त्म हो चुकी है गाड़ी की, पर भाई ने एक्सटेंड करा रखी है। तो भाई तीसरा डिसएडवांटेज इसका क्या रहने वाला है अपना? भाई तीसरा आप इसको ले सकते हो कि ये साइड फेंडर पे हमें इंडिकेटर दे रखा है। अब तो भाई मतलब ये अपना जैसे इसमें एडवांटेजेस इतने हैं गाड़ी में, मैं आपको गिना दूंगा तो आप उसके हिसाब से कहोगे कि 2010 के हिसाब से कितने एडवांटेज दे रखे हैं। पर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि साइड फेंडर पे दे रखा है अपना,
वैसे तो ये जो अपना इंडिकेटर आता है ये LXi मॉडल में चाहे VXi मॉडल में आजकल मतलब जो बेस होता है और बेस से ऊपर वाला होता है जो बीच वाला होता है उसमें साइड फेंडर पे देते हैं, पर इसमें क्या मतलब ये टॉप मॉडल है, टाइटेनियम है, इसमें फिर भी साइड फेंडर पे दे रखा है, या तो यहाँ पे दे देते मतलब साइड मिरर पे अपना, ठीक है, तो उसकी लुक थोड़ी इनहेंस हो जाती और क्या। बाकी इसमें एक अलॉय भी नहीं दे रखे, भाई से मैं पूछूंगा भाई ये टाइटेनियम है इसमें फिर भी अलॉय नहीं दे रखे, तो ये भी अपना एक तीसरा चौथा डिसएडवांटेज है। और तुम ये ले सकते हो कि ये फोल्डेबल नहीं है, अंदर से एडजस्टेबल तो है पर फोल्डेबल नहीं है। अच्छा ये एडजस्टेबल है फोल्डेबल नहीं है, तो भाई मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। ये भाई यही है कंट्रोल इसका अपना, तो भाई ये अपना इसका कंट्रोल रहने वाला है कुछ शीशे एडजस्ट करने का, भाई ने थोड़े कर्टेन लगा रखे हैं तो माइंड मत करना, तो ये अंदर से एडजस्ट हो जाते हैं, बाकी मैं आपको एडजस्ट वगैरह करके दिखा दूंगा, तो एडजस्ट हो जाते हैं, पर ये फोल्डेबल नहीं है मतलब फोल्ड नहीं हो पाते ये जो अंदर से ORVM वाले होते हैं वो। तो अपना पहला तो हो गया ग्राउंड क्लियरेंस, दूसरा हो गया पीछे वाली पावर विंडो नहीं है, तीसरा हो गया साइड फेंडर पे हमें वो दे रखे हैं, चौथा हमारा हो गया कि हमें अलॉय दे रखे हैं मतलब नहीं दे रखे उसमें, तो भाई से वैसे मैं पूछ लूंगा भाई ने क्या प्रोफाइल वगैरह लगा रखी है। और ये जो अपना मिरर है इसमें OEM जो अपना फोल्डेबल वाला आता है वो भी नहीं दे रखा, तो ये भी थोड़ा डिसएडवांटेज है, गिन सकते हैं हम इसको। तो वैसे तो अब एडवांटेज अगर आपको देखने हैं तो इसके बाद मैं वीडियो डाल दूंगा एडवांटेजेस की भी, तो इसमें भी डिसएडवांटेज हैं, तो जैसा भाई ने बताया वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बढ़िया है गाड़ी का, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बढ़िया है। वैसे मैंने आपको सारे अपने डिसएडवांटेज गिना दिए कि कितने इसमें डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या रहने वाले हैं, भाई ने आपको ओवरऑल बता दिया कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या दे रखे हैं, प्राइस भी भाई ने शेयर कर दिया कि कितने में ली थी, अब वाली फोर्ड फिगो में आने वाली में मतलब ये सब कर दिया है चेंजेस वगैरह, ठीक है, पर पहले जो था तो हमारा बताना फर्ज था कि ऐसे ऐसी मतलब अगर अभी वाली भी फिगो में नहीं कर रखा है तो कर दें, ठीक है। और तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में इसकी एडवांटेजेस की डाल दूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तो भाई एक बार थंडर दिखा दो, तो थैंक यू सो मच अपने वीडियो देखने के लिए।